पुलिस मुख्यालय भोपाल और पुलिस महानिदेशक इंदौर ग्रामीण जोन के श्री राकेश गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज तिलक सिंह के आदेश अनुसार आगामी पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन जितेंद्र सिंह पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर मनीष खत्री द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के परिपालन में थाना कार्यवाही में अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। वाहन की तलाशी लेते समय कार के पीछे की सीट पर काले कपड़े में ढकी 18 पेटी बॉम्बे विस्की और डिक्की को चेक करते समय 22 पेटी बॉम्बे स्पेशल विस्की होना पाई गई, जिसके संबंध में लाइसेंस के बारे में पूछने पर दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं। आरोपियों के कब्जे से कुल 40 पेटी बॉम्बे विस्की शराब, कुल 345.6 बल्क लीटर शराब, कीमती 210,000 रुपये कीमत तथा स्विफ्ट कार कीमत 2,50,000 रुपये, 2 मोबाइल और नकदी 900 रुपये, कुल मशरू का कीमत 466,000 रुपये की मौके पर जब्त की गई है। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। आगामी पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव संपन्न होने वाले हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान SGP महोदय द्वारा समय समय पर निर्देश दिए गए कि चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो और अवैध शराब, अवैध कट्टे वगैरह की प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस तारतम्य में समय समय पर नाकेबंदी वगैरह चल रही थी। कल मुखबिर से सूचना मिली कि चोरोल तरफ से प्रवीण और चंद्रशेखर यादव एक स्विफ्ट कार से अवैध शराब लेके जाने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में नाकेबंदी करते कर ही के आखीपुरा तिराहे पे कार आने पे रोका, जिसमें दोनों आरोपीगण मिले और कार की तलाशी लेते 40 पेटी अवैध शराब मिली, जिसकी कीमत करीबन 2,00,000 रुपये है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आज पुलिस रिमांड शराब के संबंध में इनके अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। सर, कितने आरोपी बने और कितने फरार हैं? अभी वर्तमान में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, राजपूत क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें एक आरोपी जो चंद्रशेखर है उसके खिलाफ थाना राजपुर में भी प्रकरण 4-5 पंजीबद्ध होने की सूचना मिली है और उसका जिला बदल भी हुआ है, ये जानकारी मिली है। इसके विरुद्ध 34-2 का प्रकरण एक पुलिस थाना कसरावद में भी पंजीबद्ध होना ज्ञात हुआ है, जहाँ से अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर, खरगोन जिले से बाहर की शराब लाई जा रही थी? जी हाँ, ये जिला इंदौर के चोरल शासकीय दुकान से लाकर पंचायत चुनाव में उपयोग करने के लिए राजपुर ले जाया जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।